तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस राय साहब स्टडी सेंटर में। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो केमिस्ट्री का मोल कंसेप्ट है, ठीक है। मोल कंसेप्ट जो कि इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं आईआईटी जेई में और आपके बोर्ड एग्जाम में, मोल कंसेप्ट, ठीक है। आज का टॉपिक है आपका मोल कंसेप्ट, जो कि एनसीईआरटी का जो पहला चैप्टर होता है ना, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैटर, तो उसका एक मोल कंसेप्ट टॉपिक है। तो पहले समझेंगे कि मोल क्या होता है। मोल यानी कि सबसे पहले जो एक वैज्ञानिक थे एवोगैड्रो, जिनका नाम था, नाम सुना होगा एवोगैड्रो ना, एवोगैड्रो एक वैज्ञानिक थे। तो वैज्ञानिक थे तो क्या करते हैं, जो कार्बन होता है, कार्बन जो होता है 12 कार्बन टोटल लेते हैं, तो 12 कार्बन में, 12 कार्बन में जितने अणु होते हैं, ठीक है, 12 कार्बन में कार्बन के जितने अणु होते हैं वही अणु जो है, वही अणु एक मोल होता है। इसका यह परिभाषा इन्होंने ऐसे दिया था कि जो मोल होता है, एक मोल जो होता है वो बराबर होता है 12 कार्बन में कार्बन के अणु के बराबर, ठीक है। ये होता है आपका एक मोल जो होता है वो 12 कार्बन में कितने कार्बन के अणु हैं ना, 12 कार्बन में कितने कार्बन के अणु हैं, उन अणुओं को एक मोल कहते हैं। तो एवोगैड्रो ने इनकी संख्या भी निकाली थी, तो बोला, उन्होंने बताया था कि 12 कार्बन में टोटल 6.022 × 10³ इतने कार्बन के अणु होते हैं एक मोल में, ठीक है। एक मोल में कार्बन के अणुओं की संख्या जो है इतनी होती है, 6.022 × 10³, ठीक है। तो ये इसको हम लोग बोलते हैं एक मोल में कार्बन के इतने अणु हैं ना। तो हम बोल सकते हैं इस संख्या को एवोगैड्रो नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने निकाला था, इसलिए इस संख्या को बोलते हैं हम लोग क्या, इस संख्या को बोलते हैं हम लोग एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर बोला जाता है इसको, ठीक है, आता है इंग्लिश आता हिंदी, ठीक है। इसको बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर। क्यों बोलते हैं एवोगैड्रो नंबर, क्योंकि एवोगैड्रो जो वैज्ञानिक थे उन्होंने इसको निकाला था, और ये नहीं होते तो हमको मोल कंसेप्ट नहीं पढ़ना पड़ता। और फिर अब बात आती है कि एक मोल की परिभाषा आपकी क्लियर हो गई, कितने कार्बन के अणु होते हैं वो क्लियर हो गई। अब एग्जांपल के द्वारा निकालेंगे, जैसे कि मैं बोलूँ आपको कि एग्जांपल के द्वारा बोलूँ कि जो ये कार्बन है, यदि कार्बन की मैं बोलूँ, यदि मैं कार्बन की बोलूँ 3.011 × 10³ कार्बन में कितने मोल होंगे, हाउ मेनी मोल्स इन 3.00 × 10³ कार्बन, ठीक है। तो हम लोग इसको एकदम इजीली से देखेंगे कि देखो ये तुम्हारा जो दिया है, ये तुम्हारा है क्या, एक प्रकार का है तुम्हारा क्या, मोलेक्यूलर नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक इसको बोलते हैं, यानी कि जैसे कि मोलेक्यूलर नंबर इसको बोलते हैं, या फिर मोलेक्यूलर नंबर ही बोलते हैं, या फिर इसको एटम नंबर बोलते हैं ना। तो ये तुमको जो दिया है ये मोलेक्यूलर नंबर दिया है, और तुमसे पूछा जा रहा है क्या, मोल पूछा जा रहा है। आप क्या करेंगे जब आपसे पूछेगा कि कार्बन में कितने मोल होंगे, यदि इतना कार्बन लिया जाए तो इसमें कितने मोल होंगे, तो आप इजीली से, आपको इतना ही पता है कि एक मोल में जब इतने कार्बन होते हैं, एक मोल में कितने कार्बन होते हैं, 6.022 × 10³ कार्बन होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि इतने कार्बन में कितने मोल होंगे, ठीक है। तो मैं आपसे बता सकता हूँ कि इसका जो एक फार्मूला बनता है वो बोलता, कहा जाता है कि जैसे मैं बोलूँ द मोल ऑफ कार्बन जो आपका दिया गया है, या फिर मोल ऑफ एनी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो भी हो सकता है, मोल ऑफ मान लो एक एटम है ना, मोल ऑफ एटम, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसका जो फार्मूला बनता है वो बोलता है कि गिवेन नंबर, यानी कि जिसको बोलते हैं हम लोग एन जी, और ये होता है एन ए को बोलते हैं हम लोग क्या, एवोगैड्रो नंबर बोलते हैं, इसको दर्शाते किससे, एन ए से, एवोगैड्रो नंबर, ठीक है।
एवोगैड्रो नंबर से दिखाते हैं और ये आपको क्लियर हो गया ये फार्मूला है। तो आपको गिवन नंबर क्या है जो आपको नंबर यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में नंबर क्या दिया गया है उसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे 3.011 × 10³ बटे जो आपका एवोगैड्रो नंबर है 6.022 × 10³। ठीक है ये आपका हो गया, ये आपको डिवाइड करेंगे, ये इससे कट जाएगा, इसको काटेंगे तो आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है 1/2। तो 1/2 मोल होता है कितने कार्बन में, इतने कार्बन में। ठीक है ये आपका क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, एक और एग्जांपल लेंगे, उसके बाद और भी बहुत सारे मोल निकालने के हैं। यहाँ पे कुछ और दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, हर एक क्षेत्र में देखते हैं हम लोग, मास दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, लीटर दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे। ठीक तो ये आपका परिभाषा है, इसको ऐसे रहने देते हैं, देखिए इसको आप। ठीक है तो अब सेकंड एग्जांपल है आपका 12.044 × 10²² H2O। इतने मॉलिक्यूल्स हैं H2O के, तो कितने मोल होंगे इसमें। ठीक है तो इसको भी एकदम इजीली से करेंगे, आपको मैंने सूत्र बता चुका है कि क्या होता है आपका मोल ऑफ H2O बराबर क्या है, जो आपका गिवन नंबर है, यानी कि मैं इसको बोल सकता हूँ गिवन नंबर बटे आपका जो गिवन नंबर है आप और किससे डिवाइड करेंगे इसको, नंबर ऑफ एवोगैड्रो, आपका जो एवोगैड्रो नंबर है ये आपका। ठीक है आपको गिवन नंबर कितना दिया गया है इस चीज को हम लोग उठा के यहाँ पे रख देंगे 12.044 × 10²² बटे। अब आपका एवोगैड्रो संख्या कितनी होती है, इतनी होती है, इसको भी यहीं पे लिख देंगे 10³। एकदम इजी तरीके से समझिए, एकदम स्लो कर रहे हैं ना। तो इसको हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, दो बार जाएगा, ये 22 है ऊपर जाएगा ये, तो क्या होगा 2 × 22 − 23। ठीक है 2×10³⁻¹। ठीक है ये होगा तो हम लोग इसको बोल सकते हैं 0.2 मोल। 0.2 मोल H2O के इतने मॉलिक्यूल्स में होते हैं, ये क्लियर हुआ। ऐसे और सारे एग्जांपल्स आपको मैं लिंक भी दे दूंगा PDF में, उसको करिएगा आप एग्जांपल्स। बाकी हम लोग अब और इसके मतलब कि और इसकी जो क्वेश्चन की जो लेवल है उसको और बढ़ाते हैं ना, IIT लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग करेंगे इसी बोर्ड पे। ठीक है ठीक है इसको आप इसको नोट कर दीजिए। ठीक है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा आयो, और अपने दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूँ तब से। अब जैसे कि देखो अगर क्वेश्चन में हम लोग को किसी तत्व, किसी यौगिक या फिर किसी मिक्सर का जो है द्रव्यमान दिया है, तो उसके द्वारा हम लोग मोल्स कैसे निकालेंगे। ठीक है मोल कैसे निकालेंगे, जैसे कि देखो आपको दिया गया है कि मान लो दिया गया आपको कि 12 ग्राम 18 ग्राम H2O में मोल कितने होंगे। ठीक है मोल कितने होंगे पूछा गया है, 18 ग्राम H2O में मोलों की संख्या क्या होगी। तो सिंपल है, क्योंकि अभी तो सिंपल नहीं होगा आपके लिए, सिंपल कब होगा जब आपको फार्मूला पता होगा, कंसेप्ट पता होगा, वो हम बताएंगे आपको। ठीक है मतलब आप क्वेश्चन देखिए एग्जाम्पल के द्वारा समझ रहे हैं इस कंसेप्ट को। तो मोल जैसे ही आपको ग्राम में कोई कुछ भी दिया है तो उसका मोल उसने कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको मोल में ना, तो सिंपल है इसको हम लोग बोलेंगे मोल ऑफ H2O। यहाँ पे कोई भी कंपाउंड या फिर कोई भी ऐसा कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। ठीक है अब इसका फार्मूला क्या होता है कि जो तत्व है जो कुछ भी दिया है यहाँ पे पदार्थ जो दिया है, जल दिया है तो जल कितने, इसका जो द्रव्यमान होगा जो मास होगा, ये जो यहाँ पे लिखेंगे मास, ये जो मास होगा ये किस में होना चाहिए, पहली बात तो मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, तभी ये फार्मूला लागू है। मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए, हम लोग का पहले से ग्राम में दिया गया है क्वेश्चन में, मास ग्राम में होना चाहिए। और क्या बोला है इसमें, मोलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर देंगे तो हमको मोल ऑफ H2O पता चल जाएगा। ठीक है इतना क्लियर हुआ।
कि मास आपका जो दिया गया होगा H2O का वो ग्राम में होना चाहिए, जो कि क्वेश्चन के अनुसार हमारा पहले से ग्राम में है। और बात आती है कि मोलिकुलर वेट से डिवाइड करने, किसके मोलिकुलर वेट से, H2O के जो दिया रहेगा। ठीक, जब मोलिकुलर वेट से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, मोलिकुलर वेट क्या होता है, जैसे कि H2O दिया है, एग्जाम्पल समझिए मोलिकुलर वेट को कैसे समझते हैं। जैसे कि H2O दिया गया है, H2O का मोलिकुलर वेट क्या होगा, हाइड्रोजन का आपका दो होता है, हाइड्रोजन कितना होता है, सिंगल हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ पे कितना दिया है हाइड्रोजन, दो दिया है तो दो हो गया, प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, तो इसको हमने कर दिया कितना आ गया, दो करना दो, दो और 16 18 हो गया, इसका मोलिकुलर वेट कितना है 18 हो गया। जैसे कि और लेते हैं H2SO4, H2O कितना होता है, एक होता है, कितना है H2 है, दो है तो एक गुणे दो, प्लस यस का कितना होता है 32 होता है, तो प्लस 32। अभी ऑक्सीजन का बताया मैंने आपको कितना होता है, 16 होता है एक ऑक्सीजन का, तो चार ऑक्सीजन कितना होगा 64, तो दो प्लस 32 और 64 96, इसका हो जाएगा 98 टोटल, क्या इसका मोलिकुलर वेट। तो हमें अभी इसका मोलिकुलर वेट चाहिए, सबसे पहले मास ग्राम में होना चाहिए, उसको रख दो 18 बटे मोलिकुलर वेट कितना निकला 18 बराबर कितना आया एक आया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि 18 ग्राम H2O में मोलों की जो संख्या है वो कितनी है एक है। ठीक है, तो ये आपका हो गया मास के टर्म में। ऐसे ही आपको जैसे यहाँ पे किलोग्राम दे दिया, 18 किलोग्राम दे दिया आपको, जैसे कि देखो 18 किलोग्राम दे दिया, तो इसको किलोग्राम में यहाँ पे नहीं रखेंगे, यहाँ पे ग्राम में होना चाहिए फार्मूले में, तो इसको ग्राम में पहले कन्वर्ट करेंगे। एक किलोग्राम बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 होता है, तो 18 किलोग्राम बराबर कितना ग्राम, 18000। जब यहाँ पे 18000 रखोगे, 18 का नाम 18 कट जाएगा, ये 3 जीरो यहाँ पर, यानी कि 18000 H2O के ग्राम में, 18000 या फिर 18 किलोग्राम H2O में मोलों की संख्या कितनी है 1000। ठीक है, ऐसा होगा, यानी कि यहाँ पे जो फार्मूला है उसको यहाँ पे मास जो है वो ग्राम में ही होना चाहिए, ग्राम में नहीं दिया है क्वेश्चन में तो उसको ग्राम में कन्वर्ट करके रखना है मोलिकुलर वेट। ये आपको क्लियर हो गया। अब इसकी हम लोग समरी देख लेते हैं, थोड़ा इसकी हम लोग क्या देखेंगे, समरी देख लेते हैं, तब से आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसकी समरी देख लेते हैं। इस पूरे वीडियो में हमने क्या देखा, आप देखो हम लोग इस पूरे वीडियो का क्या देखेंगे, समरी देखेंगे। तो इसमें पहले मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, यदि आपको मोलिक्यूल से नंबर दिया गया है, मोलिक्यूल से नंबर दिया गया है तो उससे मोल कैसे निकालेंगे, तो हम लोग बोलते हैं जैसे कि मोलिक्यूल्स आपको नंबर दिया गया है तो उससे मोल कैसे निकालेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया, जो आपको गिवन नंबर होगा, एग्जाम्पल हम लोग ने देखा गिवन नंबर, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, गिवन नंबर बटे आपका जो एवोगैड्रो नंबर होता है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एवोगैड्रो नंबर, इसको हम लोग बोलते हैं ऐसा दिखाते हैं, इसको ऐसा दिखाते हैं। ठीक है, ये आपको दिया होना चाहिए, तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, मोल निकाल लेंगे। कब, जब मोलिक्यूल से दिया रहेगा, तब जब मोलिक्यूल से दिया रहेगा किसी एटम का, तो हम लोग इससे इस सूत्र के द्वारा मोल निकाल सकते हैं। यदि किसी एटम का या किसी यौगिक का, किसी तत्व का या फिर किसी मिक्सर का आपको ग्राम में दिया गया है उसके बारे में जानकारी, तो पूछता है आपसे मोल क्या होगा, तो सिंपल है, आपको फार्मूला बताया कि नंबर ऑफ मोल तब क्या होगा, नंबर ऑफ मोल तब क्या होगा, तो सिंपल है, नंबर ऑफ मोल तब क्या होगा, मैंने आपको बताया फार्मूला जो है मास किस में होना चाहिए, ग्राम में होना चाहिए बटे मोलिकुलर वेट, जिसको मैं लिख दे रहा हूँ ऐसा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, मोलिकुलर वेट, ये आपका फार्मूला हो गया। ये दोनों स्टार, यही दोनों समरी है, बस ये दोनों पे आप क्वेश्चन करिए दौड़ दौड़ के अपने बुक में से, बाकी आपको ये दोनों एकदम अच्छे से क्लियर हो गए तो आपका ये जो वीडियो है एकदम सफलतापूर्वक आपने अच्छे से देख लिया मतलब। ठीक है, ये एकदम अच्छे से आपको क्लियर हो गया, यानी कि ये दोनों पे आपका जो बेस है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे हम लोग मिलेंगे मास के कुछ और क्वेश्चन लेके, और आपको यहाँ पे होमवर्क भी मिल जाएगा, मतलब आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो होमवर्क भी मिल जाएगा, बाकी ये सब भी हम लोग आगे और इसके बारे में और डिटेल से चर्चा करेंगे मास वाले में, उसके बाद वॉल्यूम का स्टार्ट करेंगे, IIT लेवल तक के क्वेश्चन करेंगे इसमें गारंटेड। ठीक है, इसी बोर्ड पे करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, धन्यवाद। हर गली हर मोहल्ले में
हर गली हर मोहल्ले में मेरे वतन के दीवाने बेशुमार बैठे हैं। हर गली हर मोहल्ले में मेरे वतन के दीवाने बेशुमार बैठे हैं, लेके सीने में देशभक्ति का किरदार बैठे हैं, लेके सीने में देशभक्ति का किरदार बैठे हैं। जान चली जाए पर वतन की शान में आज नहीं आएगी, जान चली जाए पर वतन के शान में आज नहीं आएगी। लाखों शहीद हुए और करोड़ों तैयार बैठे हैं।